दोस्तों आज की वीडियो है हमारी जो पौधे कुछ 2 साल पहले हमने 3 साल समझ लीजिए अब कन्वर्ट किए थे। ये आप देख सकते हैं, ये है रेड विलॉक्स। ये किया था हमने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल पहले। इसमें ग्राफ्टिंग की थी तो इसमें आप देख सकते हैं फ्रूट तो है पर जो साइज है वो बिल्कुल ही कम है। अगर मैं आपको दिखाऊं ये आप देख सकते हैं साइज बहुत कम है, भले ही हम इसमें थिनिंग भी कर रहे हैं। मैं एक दो पौधा आपको और दिखाऊंगा जहाँ पर थिनिंग की है तो वहाँ पर जो है वहाँ पर भी साइज नहीं बन पाए। यहाँ आप देख सकते हैं सिंगल सेब ये जो है लगा है तो इसमें भी साइज नहीं बन पाया, बल्कि जो ग्रोथ है वो सही है, साइज नहीं बन पा रहा। और जो पहले मैंने आपको वो कलम दिखाई तो उसमें तो ग्राफ सैंपल का 2nd साल है, पिछले साल भी उसमें लगे थे, फिर भी जो है साइज नहीं बन पा रहा है। उसमें कलर अच्छा आ गया है। अभी आज 25 जून है और 8500 की ये जो एलिवेशन है यहाँ पर, मैं एक दो पौधा आपको और दिखाता हूँ। वहीं आप देख सकते हैं ये है गाला का प्लांट, ये किया था 5 साल पहले कन्वर्टेड। तो इसमें आप देख सकते हैं हमने थोड़ी बहुत ही थिनिंग भी इसमें कर दी थी और साइज इसमें जो है बेटर है, ये आप देख सकते हैं। टाइम से ये इस हाइट में आ रहा है, ये आप देख सकते हैं इसका साइज बहुत ही जबरदस्त है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। अभी इसमें काफी टाइम है और फुल, सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि अभी इसमें जो कलर है वो पूरा नहीं आया, अभी इसमें साइज जो है और बनेगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से अगर आप रखेंगे, जो ये गाला वैरायटीज है ज़्यादा लगती है, तो आपका साइज डेवलप हो जाएगा। बाकी मैं आपको दूसरी भी दिखा देता हूँ, रेड विलॉक्स जेरोमाइन, ये जो है हाइट में नहीं चल पा रहे, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये भी हमने किया है 5 साल पहले कन्वर्ट, तो साइज तो इसमें नहीं आ रहा, ये आप देख सकते हैं, ये थिनिंग भी इसमें की हुई है, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको निकाल के भी दिखा दूं, ये आप देख सकते हैं। तो साइज में इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, अभी तो खैर यहाँ पर टाइम है पर उतना साइज इसमें नहीं बन पा रहा जितना जो गाला में मेरे को देखने को मिला है, ये आप देख सकते हैं। फुल कलर जो है इसमें आ चुका है पर जो साइज है उसमें दिक्कत आ रही है, क्योंकि कलर इसमें नेचुरली आ गया, कोई भी इसमें अभी तक स्प्रे नहीं हुई है, ना पोटाश है, कुछ भी स्प्रे इसमें नहीं हुई है कलर वाली। फिर भी जो आप देख सकते हैं कलर इसमें बेटर है, साइज में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बाकी कोई गलत चॉइस ये है नहीं, ये आप देख सकते हैं यहाँ साइज काफी अच्छा है। तो अगर थिनिंग करेंगे तो इसमें जो है साइज बनाया जा सकता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ आप देख सकते हैं टाइटमैन भी इसमें लगाया हुआ है साथ में, टाइटमैन भी तैयार होने वाला है, अभी थोड़ा सा इसमें कसर है 10-15 दिन की, बाकी साइज इसमें ये लेगा, क्योंकि अभी ये एक साइड से पूरा कलर इसमें नहीं आया है, हरा है, और इसमें भी जो है कोई कलर कूलर की स्प्रे नहीं हुई है, बाकी इसमें तो फुल कलर आ चुका है, ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा जो कलर है वो आ चुका है। कहीं तो बिल्कुल ही गोलिया है जो आगे फ्रंट पे लगी है पिनों पे, तो बिल्कुल गोलिया है। बाकी दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि आपको कैसी लगी है इसमें साइज, और जो भी आप लोग अपनी राय इसमें जरूर दे कि आपको कैसा ये लगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी अच्छा कलर है, कलर की तो नो डाउट, क्योंकि हाई कलर स्टेन है तो कलर की तो इसमें दिक्कत ऐसे नहीं रहेगी, पर साइज की थोड़ी दिक्कत रह जाती है, वो हम मेंटेन कर सकते हैं। इसमें तो खैर इतनी अच्छी जो फर्टिगेशन है वो भी नहीं है, स्प्रे भी इसमें कोई खास हुई नहीं है, तो आप देख सकते हैं इसको 4 साल पहले इसको ग्राफ्ट हमने किया है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के जो वीडियो है वो आप लोगों तक पहुँचते रहे। आप हमें इंस्टा फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।